नमस्कार दोस्तों, मैं उदय पाठक आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी 30 के डीप एडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। डीप एडिटिंग अपना किट कैसे बनाते हैं, मतलब उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और यदि संभव हो तो हेडफोन या ईयरफोन भी यूज करें। दोस्तों, अभी मैं वही पैच आपके लिए फिर से वापस बना रहा हूं जो पैच मैं थोड़ी देर पहले बजा रहा था। तो दोस्तों, वो पैच मैं स्पेशल मैं शौक से बजाता हूँ, वो मैं कभी कभी खुद के लिए एंजॉय करता हूँ तो मैं वो बजाता रहूँ। वो पैच का मैंने नाम ही रखा है संतूर एंड टिम्पानी। दोस्तों, उस पैच का मेरा सोच ये है, मैं ये सोच के बनाया हूँ, उसके फ्रंट साइड में मतलब लेयर ए में मैं कंटिन्यू संतूर रखा हूँ और बी साइड में मैं टिम्पानी रखा हूँ। वो हेवी स्ट्रोक पे, वो कंटिन्यूटी में नहीं आता, जब आप हेवी स्ट्रोक करेंगे तो टिम्पानी बजेगा। तो दोस्तों, आइए आपके सामने मैं फिर से वही पैच कैसे बनाते हैं मैं डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेनू बटन में, जैसे ही मेनू बटन में आप इन करेंगे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट में इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए, अभी यहाँ पे हमारा कोई भी साउंड असाइन नहीं है, हमारे सारे पैड्स बंद हैं। किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट लेयर टाइप, लेयर टाइप मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है मिक्स, और मैंने सबका मिक्स सेलेक्ट कर दिया। ओवरऑल मिक्स करने के बाद मैंने इंटर मार दिया, सबका वैल्यू एक जैसा हो गया। उसके बाद लेयर पॉइंट मैंने यहां रखा है 115, सबका वैसे ही किया मैंने, सेट द सेम वैल्यू टू ऑल पैड्स मैंने श्योर कर दिया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ए में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ए में आके सबसे पहले मुझे संतूर का साउंड सेलेक्ट करना है। दोस्तों, संतूर का साउंड आपको PC4 सीरीज में मिलेगा, तो मैं PC4 सीरीज में जाता हूँ, PC4 सीरीज में आ गया। PC4 में आने के बाद ये रहा आपका संतूर का साउंड, दोस्तों मैंने ये संतूर सेलेक्ट कर लिया और बी साइड में मैं टिम्पानी लगाया हूं। बी साइड में मैं टिम्पानी लगा रहा हूं, टिम्पानी भी PC4 में मिलेगा। जब मैं सॉफ्ट हिट कर रहा हूं तो संतूर बज रहा है, और जब जोर से हिट करूंगा तो टिम्पानी के साथ संतूर बजेगा। अभी मैंने केवल एक पैड में यह साउंड सेलेक्ट किया, बाकी मेरा पूरा पैड खाली है। दोस्तों, अभी क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट ए पे आकर के मैंने ऑल इंटर मार दिया। ऑल इंटर जब आप प्रेस करेंगे तो सब में एक जैसा साउंड लग जाएगा, आप देख सकते हैं अभी संतूर सब जगह फिट हो गए हैं। आठों जगह जब संतूर फिट हो गया, आप टिम्पानी के लिए भी आपको सेम वही चीज यूज करना है। टिम्पानी में मैंने हिट किया, यहाँ पे ऑल इंटर प्रेस करेंगे, सब जितने ही पैड हैं सब जगह एक जैसे साउंड हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों आपका साउंड सेलेक्ट हो गया। साउंड सेलेक्ट करने के बाद अब आप जो साउंड इसमें यूज कर रहे हैं उसको एडिट करना है। एडिट में क्या क्या है, एडिट में सबसे पहले आता है ट्यूनिंग। दोस्तों, ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, आप जो साउंड यूज कर रहे हैं उसका एक्यूरेट पिच ट्यून क्या होगा, साउंड का स्केल क्या होगा, किस नोट में वो साउंड रखेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ देर पहले मैं बजा था, वो कॉमन सरगम था, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये था। तो ये मैं पूरे 8 पैड पे सेम वैसे ही सेट कर रहा हूं। सेट करने के लिए सबसे पहले मैं सा ढूंढता हूं, तो अभी दोस्तों मैं अभी सा को मैं सी शार्प से कर रहा हूं, सी शार्प जिसको आप बोलते हैं पहली काली। पहली काली करने के लिए मैं यहां पे आया। दोस्तों, आप इसका यदि इजी वे में अगर यूज करना चाहें तो यहां के बजाय आप मल्टी एडिट से भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ट्यून यहां से करूंगा तो ये भी है। इसके अलावा यदि आपको फास्ट ट्यूनिंग चाहिए तो आप मल्टी एडिट में, आप यहां से बाहर आके मल्टी एडिट में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा क्रॉस ट्यून। दोस्तों, आप क्रॉस ट्यून से ही फास्ट ट्यूनिंग कर सकते हैं, इसमें पूरे आपको 8 पैड दिख रहे हैं क्रॉस मतलब मल्टी एडिट में। और ये वाला एडिटिंग में डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको पैड हिट करके चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू पिच पैरामीटर क्या है, लेकिन यदि आप मल्टी पैड में हैं तो मल्टी पैड में पूरे आपको 8 पैड दिखाई पड़ेंगे कि आपकी पैड की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो सा बना रहा हूं वो सा मैं सी शार्प से बना रहा हूं। सी शार्प के लिए मैं क्या किया, जो हमारा संतूर है संतूर को मैंने हाफ नोट ऊपर कर दिया, ये हमारा सी शार्प हो गया, मैं इसको सा मान रहा हूं।
और नीचे जो टिम्पानी है टिम्पानी को भी मैंने क्या किया, मैं उसको दूसरे पीछे वाले एक ऑक्टेव डाउन करके सी शार्प ला रहा हूँ। इस तरह मैंने पूरा सरगम मैं सेट कर रहा हूँ, अभी रे सेट कर रहा हूँ। अभी देखिए हमारा सा के बाद रे हो गया, उसके बाद मैं ग सेट कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह मेरा सरगम तैयार हो गया। और अब मैं बी साइड में जो मैं टिम्पानी लगाया हूं मैं अभी उसको भी ट्यून कर लेता हूं। दोस्तों इस तरह से मेरा सरगम रेडी हो गया। दोस्तों अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने साउंड सेलेक्ट किया। साउंड सेलेक्ट करने के बाद मैं उसका पिच ट्यून किया, क्योंकि जब तक आप स्केल में नहीं मिलाएंगे कभी बजाने में मजा नहीं आएगा। इतना करने के बाद अब एडिट में चेक करते हैं और क्या है। उसके बाद मफल है। दोस्तों मफल का काम क्या है, आप जो साउंड यूज कर रहे हैं वो साउंड का लेंथ, यदि मफल आप पूरा 50 और कर देंगे तो साउंड का सस्टेन खत्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैं इसको पूरा 50 कर रहा हूं। इतना करने के बाद आपका साउंड का सस्टेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कि ये इंस्ट्रूमेंट सस्टेन वाला, इसमें सस्टेन रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद अटैक। दोस्तों अटैक साउंड का जो मेन स्टार्ट पॉइंट होता है, हीटिंग पॉइंट, जहां आप हीट करते हैं साउंड जनरेट होता है, उस पोजीशन को कम करने के जो पैरामीटर है उसका नाम है सॉफ्ट अटैक। अभी देखिए मैं इसको पूरा 50 को ले जा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा, आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि जो स्टार्ट, जो वेव का स्टार्टिंग पॉइंट था वो गायब हो गया, सिर्फ टेल पॉइंट बच रहा है। दोस्तों ये सॉफ्ट अटैक का काम है, तो इस इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्ट अटैक की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद टोन कलर। दोस्तों टोन कलर मैं पिछले वीडियो में शेयर किया था, टोन कलर एक आम भाषा है। जैसे हम लोग पुराने जमाने में म्यूजिक सिस्टम यूज करते थे, उसमें आपने देखा होगा तीन तरह के नोब थे, बेस, मीड और ट्रेबल। तो दोस्तों ये सेम वही पैरामीटर है, बेस, मीड और ट्रेबल कम करने के लिए। अब यदि आपको ये साउंड में ऐसा लग रहा है कि इसको और शार्प करना है या फिर और लो, इसको लो की तरफ ले जाना है, तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको भी लो की तरफ ले जाता हूं। ये हमारा जीरो सेंटर में है, ये देखिए लो में ले जाने का इससे साउंड क्वालिटी चेंज हो गई। अब मैं इसको लो से हाई की ओर ले जाता हूं। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ये एक मेलोडी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको ज्यादा हम लोग छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते।
पीच स्वीप। दोस्तों पीच स्वीप इसमें एक ऐसा स्विच है, आपने देखा होगा हर कीबोर्ड में एक पीच बेंडर होता है जो पीच को बेंड करता है, पीच को टेढ़ा करता है। देखिए ये उसमें भी है, आपके एसपीडी 30 में भी है। मैं पीच स्वीप यूज कर रहा हूं, आप यदि चाहें तो एक नया साउंड बना सकते हैं। ये देखिए मैं पूरे पैरामीटर में, पूरे ऑक्टोपैड में, पूरे पैड में मैं इसको सेट कर दे रहा हूं। ये देखिए ये डिफरेंट साउंड पे आप यूज कर सकते हैं। और यदि इसको माइनस की ओर ले जाएंगे तो देखिए साउंड की क्वालिटी ऐसी आएगी। दोस्तों ये सब पैरामीटर मैं डीप इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर आप यूज करके बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, काफी मतलब जो सुनने में काफी मतलब सरस हो, इस टाइप के पैच आप बना सकते हैं। अभी मैं इसकी वैल्यू वापस जीरो कर दे रहा हूँ। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, वॉल्यूम कॉमन वर्ड है जो साउंड के लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद पैन, दोस्तों आपका एसपीडी 30 कंप्लीट स्टीरियो फोनिक पैड है, कंप्लीट स्टीरियो पैड है। आप यदि चाहें तो इसमें जो भी साउंड यूज कर रहे हैं आप उसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये रिवर्स स्विच आप जो देख रहे हैं, ये रिवर्स स्विच आपके एसपीडी 30 में इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे साउंड हैं जिनको आप उल्टा करके प्ले कर सकते हैं। उल्टा करके प्ले करने का मतलब आपने यदि रिवर्स स्विच ऑन कर दिया तो वो साउंड उल्टा प्ले होगा। आप जब हिट करते हैं तो आपका हेड का साउंड पहले आता है, टेल बाद में आता है, लेकिन यदि आप ये स्विच ऑन करेंगे तो टेल पहले बजेगा, हेड बाद में बजेगा। और दोस्तों ये स्विच वहीं एनेबल होता है, वहीं एप्लीकेबल होता है जिस इंस्ट्रूमेंट में ये फैसिलिटी दी गई है। जैसे संदूर में ये फीचर नहीं, तो देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये फीचर टिम्पानी में है, इसलिए यहाँ पे ऑन ऑफ की फैसिलिटी है। देखिए मैं टिम्पानी में देख रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार मैं फिर से प्ले कर रहा हूं, संतूर के बजने के बाद टिम्पानी बज रही है। ये साउंड इसलिए आ रहा है कि यहां पे रिवर्स का स्विच मैंने ऑन कर दिया है, मतलब हेड का टेल और टेल का हेड में मैंने कर दिया। आप नए पैच में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपका साउंड डिजाइन हो गया, पिच ट्यून हो गया, सारा पैरामीटर आपने टच कर लिया, आपने बहुत सुंदर पैच बनाया, तो दोस्तों पैच बनाने के बाद अब जैसे क्या होता है कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसने मिट्टी के सांचे को प्रॉपर प्रतिमा का रूप दिया, लेकिन वो कलर नहीं होगा तो मूर्ति देखने में अच्छा नहीं होगा। तो सेम वैसे ही अपने साउंड का है, आपने साउंड को यूज करके, पैरामीटर यूज करके आपने बहुत अच्छा पैच बनाया। अब यदि उसमें साउंड इफेक्ट डालेंगे, मतलब इफेक्ट प्रोसेसर भी अगर उसमें यूज करेंगे, तो साउंड आपका और बेहतर बेहतरीन हो जाएगा। जैसे मैंने संतूर बनाया, तो दोस्तों संतूर में आप इफेक्ट भी मैच कर सकते हैं, इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। अभी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डाला हुआ, इफेक्ट डालने के लिए कॉमन है, आप यहां से आपको जो भी इफेक्ट पसंद आता है, सुपर फिल्टर, ये जो भी ऑटो वाउ, कुछ भी कंप्रेशर, लोफाई, डिस्टॉर्शन, ओवरडब, इक्वलाइजर, स्लाइसर, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अभी यहां पे यूज कर रहा हूं रिवर्ब। दोस्तों इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब इफेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको इधर आना है। दोस्तों इसमें रिवर्ब टाइप लिखा हुआ है, रिवर्ब टाइप में रूम वन से लेकर स्टेज टू तक है, रूम वन से लेकर के स्टेज टू तक है, रूम वन से लेकर के स्टेज, रूम वन से लेकर के स्टेज टू तक है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उसका थ्री डिले आपको कितना मिली सेकेंड रखना है, रिवर्ब का टाइम क्या रखना है, HF डैम्प रखना है, लो गेन, हाई गेन, उसके बाद लेवल, आप सारे पैरामीटर को यूज करते हुए एक अच्छा सा खूबसूरत पैच बना सकते हैं। वैसे अभी आप देख सकते हैं मैं रूम वन यूज किया हूं, रूम वन हो सकता है कि इसमें ज्यादा साउंड इफेक्ट आपको क्लियर सुनाई नहीं पड़े। रूम वन मतलब इफेक्ट काम कर रहा है, वो एक्टिव है, हो सकता है कि आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो आप रूम टू या स्टेज टू भी यूज कर सकते हैं। स्टेज टू यूज करने का प्री डिले आपको कितना रखना है,
उसका रिवर्ब टाइम आपको कितना रखना है, 0 से लेकर 127 तक रख सकते हैं। यदि 0 रखेंगे तो सस्टेन कम मिलेगा, और यदि 127 रखेंगे तो सस्टेन ज्यादा मिलेगा आपको। उसका एचएफ डैम्प, यदि आप उसको 200 हर्ट्ज पे रखेंगे तो उसका सस्टेन कट होगा। यदि आप इसको बाईपास कर देंगे तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी की लेंथ है वो पूरा का पूरा आपको सुनाई पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप चाहें तो इसको इक्वलाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसका लो गेन और हाई गेन ही बढ़ा सकते हैं। अब यदि आपको लो गेन बढ़ाने की इच्छा है तो लो गेन अभी यहां 0 dB है, आप इसको बढ़ा करके डीबी तक ले जा सकते हैं। सेम ऐसा ही फीचर आपके हाई गेन में है, आप इसको भी 15 dB मतलब 15 dB आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके बाद लेवल आपको कितना डालना है, मतलब इफेक्ट का लेवल, ये लेवल आपको जो दिख रहा है ये केवल इफेक्ट का लेवल है, ये साउंड का लेवल नहीं है, ये एफएक्स लेवल है। आप जितना चाहें उतना यहां से सेंड कर सकते हैं। यहां आने के बाद मल्टी एडिट में आकर के सब में एफएक्स लेवल सेंड कर दीजिए। सब में मैं अभी 100 कर चुका हूं, सब का लेवल 100 हो गया। जब आपका इफेक्ट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद बाहर आकर के अदर में आकर के दोस्तों ये किट का वॉल्यूम है। किट का वॉल्यूम आपने जो ओवरऑल पैच बनाया, पूरे पैच बनाने के बाद आप यदि चाहें तो पूरे किट का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए सारे किट का यहां से लेवल कंट्रोल हो सकता है। इसको आप अपनी मर्जी के अनुसार मतलब दूसरे पैच से बैलेंस करते हुए आप यहां से लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद किट में टेम्पो कितना रखना है, यदि इसके साथ आप लूप और फ्रेज यूज करते हैं तो इसका किट टेम्पो भी आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना रखना है 120-130 जो भी आप रख सकते हैं। उसका किट प्रोटेक्ट, दोस्तों किट प्रोटेक्ट एक ऐसा सिस्टम है, किट प्रोटेक्ट ऑन करने से आपको फायदा यह मिलती है कि आपकी इच्छा के बिना जब तक आप इसको दोबारा किट प्रोटेक्ट ऑफ नहीं करेंगे आप एक किट के साथ कोई भी आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप खुद भी नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ये देखिए मैंने किट प्रोटेक्ट यहां पे ऑन करता हूं अभी। कीट प्रोटेक्ट एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके कीट को सेफ करता है। सेफ करने का मतलब कीट मतलब कभी ऐसा होता है कि मैंने गलती से कोई बटन दबा दिया हमारा कीट एडिट हो गया, लेकिन यदि आप कीट यहां से कीट प्रोटेक्ट अगर ऑन कर देंगे कीट में आप कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए कुछ भी नहीं होगा, आप इसका पैच वॉल्यूम ट्यून कुछ भी करना चाहेंगे देखिए होगा ही नहीं, चूंकि आपका कीट प्रोटेक्ट यहां से ऑन किया हुआ है। तो कीट प्रोटेक्ट का इतना ही काम है कि आपकी इच्छा के बिना कभी भी कोई भी आदमी इस किट को एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एसपीडी 30 में जो भी आप फ्रेज बना के रखें आप इस किट के साथ उसको सिंक करके रख सकते हैं। अभी ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने किट प्रोटेक्ट ऑन करके रखा है। इसको ऑफ करेंगे यहां से वापस फिर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा ये संतूर टिम्पानी के साथ मैंने फ्रेज एक ऐड कर दिया। अभी देखिए आप इसका प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारा किट एडिटिंग कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें और बहुत सारे फंक्शन हैं, वो आप भी खुद भी इसमें ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के कुछ न कुछ अलग तरह के हीरे मोती निकाल सकते हैं। दोस्तों हीरा मोती खाने का मतलब रियल हीरा मोती, आप म्यूजिक रूपी हीरा और मोती इसमें से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये SPD-30 रोरेन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया हुआ है। दोस्तों मैं इसको सिर्फ ऑक्टापैड ही नहीं समझता हूं, मैं इसको सागर समझता हूं। ऐसा सागर है जिसमें आप जितना डुबकी लगाएंगे म्यूजिक रूपी कुछ न कुछ इसमें से हीरा मोती आप निकाल के ला सकते हैं।
और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद लाइक करें, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकॉन यदि आप दबाएंगे तो हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।